संभल के चंदौसी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस अधीक्षक OARTO ने करवा चौथ के दिन हेलमेट वितरित कर हमेशा हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया। आज करवा चौथ का त्यौहार है और इस दिन महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं। लेकिन इस अवसर पर संभल के पुलिस अधीक्षक और ARTO ने इस त्यौहार को अलग तरीके से मनाते हुए नई पहल करते हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज ऐसे लोगों को हेलमेट वितरित किए जो बगैर हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहे थे, जिनके साथ उनकी पत्नी भी थी। उन्हें पुलिस अधीक्षक ने उनकी पत्नियों के द्वारा ही हेलमेट पहनवाए और शपथ भी दिलवाएगी। इस करवा चौथ के भरोसे न रहते हुए वाहन चलाते हुए हमेशा हेलमेट का प्रयोग करेंगे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि यातायात जागरूकता सप्ताह के तहत आज करवा चौथ के अवसर पर यह अभियान चलाया गया है और ऐसे लोगों को हेलमेट वितरित किए गए हैं जो हेलमेट पहनकर वाहन नहीं चलाते हैं। और जो लोग हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट बांधकर वाहन चला रहे थे, उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित भी किया गया और लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए भी अनुरोध किया गया। एक्चुअली ये द्वितीय विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है जो दिनांक 14 तारीख से 20 तारीख तक है और इसमें यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए दिन प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं। तो आज आदरणीय पुलिस अधीक्षक जी के उससे आदेश के अनुसार में आज सर ने एक निर्देश दिया था कि आज हम लोग एक चूँकि आज करवा चौथ का दिन है और चूँकि आज एक अलग प्रकार से लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम रखा जाए, तो सर ने उसी के अंतर्गत आज उन्होंने हेलमेट का वितरण का रखा है और जो लोग दंपत्ति वाहन से ऐसे आ रहे हैं और हेलमेट नहीं पहने हैं उनको रोक कर उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है, उनको हेलमेट वितरण किया जा रहा है। और इसके पीछे सीधी मंशा ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यातायात नियमों का पालन करें और जनपद संभल में जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है एक्सीडेंट का वो कम हो सके और यही शासन की मंशा है, उसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। इसमें पूरा हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्य हो रहा है और इसमें प्रॉपर लोगों का और पब्लिक का और मीडिया बंधुओं सभी का बहुत ही सहयोग प्राप्त हो गया। संभल में यातायात जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज करवा चौथ के अवसर पर ARTO डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ट्रैफिक डिपार्टमेंट मिल करके आज एक अभियान के रूप में सभी को जागरूक करने के लिए हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है चंदौसी में। और यहाँ पे जो महिलाएं जा रही हैं अपने पतियों के साथ में और वो पति जो हेलमेट नहीं लगाए उनको ये जागरूक किया जा रहा है कि सिर्फ करवा चौथ के भरोसे नहीं रहे, हेलमेट भी लगाएं, हेलमेट से ही आपके जान की सुरक्षा है, आपके सर की सुरक्षा है और जो सीट बेल्ट पहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें इसी को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे जितने लोग हेलमेट पहन के जा रहे हैं या सीट बेल्ट लगा के जा रहे हैं उनको गुलाब का फूल देकर के पुरस्कृत भी किया जा रहा है जिससे वो मोटिवेट हों अच्छे काम करने के लिए और जो लोग नहीं लगाए हैं उनको हेलमेट भी वितरित किया जा रहा है, सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और सभी से ये अपील की जा रही है परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा कि जो यातायात के नियम हैं उनका अनुपालन जरूर करें।